नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ स्वाति। रीवा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें, गोविंदगढ़ थाना प्रभारी एवं स्टाफ ने धोखाधड़ी करने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। वहीं 10 मोबाइलों सहित लाखों की सामग्री जब्त की है। रीवा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर, उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय वीपी सिंह के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी गोविंदगढ़ शिवा अग्रवाल के द्वारा स्टाफ के साथ मिलकर धोखाधड़ी करने वाले एक बड़े गैंग को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, 6 अप्रैल को फरियादी संगीता ने अन्य 10 महिलाओं के साथ थाना आकर रिपोर्ट लिखाई थी कि दो अज्ञात व्यक्ति उनके घर पहुंचकर बताया कि शासन द्वारा हेल्थ कार्ड बनाए जा रहे हैं। सभी लोग अपना अपना आधार कार्ड नंबर नोट कराकर अंगूठा लगाने वाली मशीन में अंगूठा लगा दे। सभी महिलाओं ने अपना आधार कार्ड देकर मशीनों में अंगूठा लगा दिया और आरोपी मौके से फरार हो गए। बता दें, महिलाओं को पता चला कि हेल्थ कार्ड बनाने के नाम पर उनके साथ ठगी की गई है। ऐसा ही एक मामला दिनांक 12 तारीख को भी सामने आया, जिसमें फरियादी गुंजी के साथ भी उसी तरह की घटना को अंजाम दिया गया। पूरे क्षेत्र में जनता को जागरूक करने के साथ साथ थाना गोविंदगढ़ की पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने की मुहिम शुरू की और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनका मुख्य सरगना आरोपी विकास कोरी मनगवा में बैठकर एक गिरोह संचालित कर रहा था, जो नए नए लड़कों को अपनी बातों में उलझाकर अपराध करने के लिए रजामंद करके लड़कों को अंगूठा लगाकर पैसा निकालने वाली मशीन, एक मोबाइल, एक आईडी पासवर्ड उपलब्ध कराता था। लड़कों द्वारा क्षेत्रों में जाकर देहात में महिलाओं के साथ हेल्थ कार्ड बनाने के नाम पर ठगी की जाती थी। इस प्रकार थाना गोविंदगढ़ पुलिस द्वारा 420 के 2 मामले दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया एवं नए लोगों को इनका शिकार होने से बचाया गया है। वहीं जब्त सामग्री में 10 मोबाइल कीमत लगभग 2 लाख रुपए, एक मोटरसाइकिल कीमत लगभग 1 लाख, 5 थंब इम्प्रेशन मशीन जिनकी कीमत 20,000 रुपए, साथ ही आरोपियों के बैंक खातों को भी होल्ड रखा गया है, जिनमें लाखों रुपए होना बताया जा रहा है। बता दें, इस वारदात में कई और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। मामला ये है कि एक गैंग सक्रिय है और इसमें कुछ लड़के जो है गांव देहातों में जाकर जो कम पढ़े लिखे वर्ग के लोग हैं उनको बेवकूफ बनाते हैं। उनको बोलते हैं कि शासन ने हमको और आपका हेल्थ कार्ड बनाने के लिए भेजा। हेल्थ कार्ड के नाम पे लोग जो है एकत्रित हो जाते हैं, अधिकतर इनमें महिलाएं होती हैं। महिलाओं से उनके आधार कार्ड नंबर लेके एक इनके पास थंब इम्प्रेशन मशीन होता है, उस मशीन से उनका थंब इम्प्रेशन लेके और जिस भी बैंक अकाउंट में उनका अकाउंट होता है उनके सारे पैसे जो है ये लोग साफ कर देते हैं। तो इस जो भी जिस तरीके का फ्रॉड चल रहा है, इसके लिए मैं आम जैसे अपील करना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके का आपके पास आता है किसी भी प्रकार की योजना लेके, तो संबंधित किसी समझदार व्यक्ति से या आपके क्षेत्र में जो है पुलिस अधिकारी के नंबर की लिस्ट रहती है या किसी भी शासकीय विभाग से संपर्क करके एक बार उसकी तस्दीक जरूर कर ले कि क्या वो वाकई सरकारी योजना है या आपके साथ धोखा किया जा रहा है और आपकी मेहनत